अपना परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड से मिठाई। तो उसके लिए मैंने ले लिया है, ये घी है, चीनी है, ये आधा डेढ़ कप चीनी है, और मैंने ये तवा चढ़ा लिया है। अब हम इस पर, तवा हमारा गर्म हो चुका है, ऐसे हम ये घी डालेंगे। ये गर्म हो रहा है और हम इसको इसमें इसी तरीके से इसको हम मिला लेते हैं, हर जगह फैला लेते हैं घी को। और हम इसको तेल में, सॉरी घी में, हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, और हम एक एक करके इसमें ब्रेड को मैंने साइड साइड से काट के निकाल लिया था, और मैंने इस शेप से मैंने काट लिया था। आपको जौन सा शेप हो उससे आप काट सकते हैं। और घर में आप मीठा मन करते हैं ना, कुछ मीठा खाएं, तो आप इस तरीके से मीठा आप घर में बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें इसको हम फ्राई कर रहे हैं, सारे को घी में हम डाल रहे हैं, सबको सारे को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप घी में फ्राई करके इसको निकाल लीजिएगा। देखिए बिल्कुल करारा हो चुका है, गरम है। इसी तरह से सारे को हम फ्राई कर लेंगे घी में। मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, मैं आधा गिलास पानी ले रखा है, इसमें हम डाल देते हैं चाशनी के लिए। और हम जो चीनी ले रखा था, इस चीनी को इसमें हम डाल देते हैं और हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमारा ये देखिए, मैंने सारा ब्रेड को घी में फ्राई कर लिया है और चाशनी तैयार हो रहा है। और एक तार का जब चाशनी हो जाएगा तब तो हम इसको हम निकालेंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे और चाशनी पकना स्टार्ट हो गया है। अभी नहीं पका है, थोड़ी देर में ये पककर तैयार रेडी हो जाएगा। जब एक तार का होने लगता है तो समझिए कि चाशनी पक्का हमारा रेडी हो गया। ये देखिए हमारा चाशनी पक्का बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया हमारा चाशनी। इस तरह से थोड़ा और होगा, चाशनी बनकर रेडी हो गया। चल रहा आ रहा है ना, इसमें हमारा चाशनी अभी बनकर रेडी हो रहा है। अभी गर्म है, देखिए इस तरह से गिरने लगेगा ना गाढ़ा गाढ़ा, तो समझिए कि हमारा चाशनी बनकर रेडी हो गया। हम गैस को बंद करते हैं, उसको ठंडा करते हैं चाशनी को। अब इसमें हम आगे बताते हैं करना क्या है। इस चाशनी में हम डालेंगे ब्रेड को, डालेंगे ब्रेड सब इसमें चाशनी में इस तरीके से। और इसको हम इसको इस तरीके से पलटेंगे। बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया बनता है ये। आप ही बनाइए और आप ही खाइए, बहुत बढ़िया बनता है ये ब्रेड का मिठाई। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनकर हम थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, जिससे चाशनी इसके अंदर घुस जाए। आगे मैं दिखाती हूँ इसका प्रोसीजर। ये देखिए मैंने गार्निश कर दिया है, कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है मेरा ब्रेड का मिठाई। आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के ऊपर दबाएं। नमस्कार।